नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी लाइव न्यूज़। खबर का सच आप तक। सूरत सिटी दिल्ली गेट ओवरब्रिज के नीचे सूरत ट्रैफिक गुजरात सूरत पुलिस द्वारा गरीब और असहाय लोगों को हर रविवार को खाना खिलाने का कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के साथ टीआरबी स्टाफ का बड़ा सहयोग रहता है। वहीं पर इस रविवार को रक्तदान का आयोजन किया गया, जिसमें 125 का टारगेट रखा गया था, जिसमें लगभग 95 लोगों ने ही रक्तदान किया। वहीं पर ट्रैफिक पुलिस एवं टीआरबी के जवान भी उपस्थित रहे। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं सूरत शहर के दिल्ली गेट पे, जहाँ पे सूरत गुजरात ट्रैफिक पुलिस द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है, पे जहाँ पे गरीब और असहाय बच्चों असहाय आदमियों को खाना खिलाने का काम करते हैं। यह कई महीनों से चला, हर रविवार हर संडे को गुजरात पुलिस ट्रैफिक पुलिस द्वारा खाना खिलाया जाता है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है एसीपी अशोक सिंह चौहान जी से हम बात करेंगे। सर, आज का ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये कितने समय से चल रहा है और कब से चल रहा है? जी, ये मेरी ट्रांसफ़र हुए 1 साल 3 महीना होने आ रहा है और तकरीबन 1 साल और 2.5 महीने से ये चल रहा है यहाँ पे। हाँ, 1 साल 2.5 महीना हो गया तब से यहाँ हमने शुरू किया है और अभी तो यहाँ पे 3 दिन यहाँ पे चलता है। एक दिन पर्वत पाटिया चलता है, एक दिन कमेला दरवाजा चलता है, 2 दिन मोती टॉकीज चलता है, 1 दिन सिनेमा रोड चलता है, 1 दिन कतारगाम चलता है। वैसे 8-10 जगह पे इसको इसी के अनुक्रम में शुरू हो गया है और इसमें यही गरीब जनता है, लाभ लेती है। और हम पुलिस अफसर हैं, वो वैसे भी पब्लिक के सेवक हैं, प्रजा के, और यहाँ गरीबों की भी सेवा करने का मौका मिल रहा है ना, इससे अच्छा और क्या काम हो सकता है। तो उसमें हेलमेट के लिए कुछ अच्छा सोचा गया था, हेलमेट लगा के चले, मगर इसको क्यों रोक लगा दिया? देखिए, वो सरकार का अपना काम है, लेकिन जब ट्रैफिक हेलमेट का कानून आया था और दंड बढ़ाया गया था, तो ट्रैफिक पुलिस की मेहनत से सूरत की 90% जनता ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया था। कुछ आवाज़ उठी होगी, है ना, स्टेट लेवल पे, तो मेरे को लगता है इसी वजह से ये हेलमेट के ऊपर जो दंड है वो कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। तो वास्तविकता ऐसा नहीं है, वास्तव में कानून चालू ही है और बहुत जल्द हम लोग ये शुरू करने वाले हैं। जैसे ऊपर से आदेश आता है तो हेलमेट का दंड लिया जाएगा और मुझे पूरी भरोसा है कि सूरत की जनता जो है वो नियम ट्रैफिक नियमों का पालन करेगी और ट्रैफिक हेलमेट को अपनाएगी, सीट बेल्ट पहनना शुरू करेगी फिर से। तो इसी में ट्रैफिक पुलिस लगी है, वो भी एक प्रकार की सेवा ही है। धन्यवाद। उसी तरह की खाकी वर्दी आज विशाल काम कर रही है कि सभी जनता को खिला पिला रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? मैंने आपको पहले ही कहा कि खाकी वर्दी वो प्रजा के सेवक है और उसी में गरीब भी आते हैं, तो हम इनकी भी सेवा करना चाहेंगे। अब इसमें से जनता को ये संदेश है कि हम पुलिस में रहते हुए इतनी कठिन जो नौकरी करते हुए यदि ये कर सकते हैं, तो ऐसे काफ़ी मित्र जो हैं इकट्ठे होकर अपने एरिया में जो गरीब जनता है ना, क्योंकि आजकल बेकारी चारों तरफ है ना, बेकारी बहुत है और इस वजह से गरीब लोग 2 टाइम खाना नहीं खा पाते हैं। ऐसे समय में यदि कुछ मित्र इकट्ठा हो गए और उनके दिल में अनुकंपा जाएगी गरीबों के लिए, और वो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके भी ये कर सकते हैं, पूरा खाना ना खिलाएं, खिचड़ी कढ़ी का भी रखें, तो मुझे पता है कि सिर्फ 5,000 रुपये में 250 से 300 लोगों को खिलाया जा सकता है खिचड़ी कढ़ी। तो खाली पेट को भरना, इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? और दीनों की सेवा करना, ये तो प्रभु सेवा है। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे एसीपी अशोक सिंह चौहान जी, जिन्होंने बताया कि यह जो गरीब असहाय लोगों को खाना खिलाते हैं, यह इनका एक धर्म का काम होता है और ये पुलिस का एक वैसे पुलिस का काम होता है कि पब्लिक सर्वेंट के होते हुए भी ये अपना एक तरीके से गरीबों को खाना खिलाते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे गरीब लोग लाइन लगा के खाना खा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, यहाँ पे सभी लोग आनंद पूर्वक खाना लेते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई भी, यहाँ पे देख सकते किस तरीके से सब लोग खाना खा रहे प्रेम से। और यहाँ पे ट्रैफिक ब्रिगेड भी सम्मिलित है, ट्रैफिक के स्टाफ भी यहाँ पे भरपूर अच्छे तरीके से अपना खाना। सुनील जी के साथ प्रेम कुमार, साथ एबी लाइव न्यूज़ सूरत।